हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा, ट्वेल्थ क्लास में एक्सरसाइज 7.6 चल रही है। 7.6 एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक कर चुके। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है? वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू पावर टेंजेंट एक्स। साइन एक्स रेज टू पावर टेंजेंट एक्स प्लस कोस एक्स रेज टू पावर सीकेंट एक्स। ये बीच में प्लस है, नाम डाला जाएगा यू प्लस वी। बेस में वेरिएबल, पावर वेरिएबल, लॉग तो लेना पड़ेगा, बट बीच में जब प्लस या माइनस हो तो सीधा लॉग नहीं लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि अगर आप सीधा लॉग ले लेंगे तो लॉग ऑफ ए प्लस बी या ए माइनस बी को आप नहीं लिख सकते हो। लॉग ऑफ ए प्लस माइनस लॉग ऑफ बी, इसलिए जब दो फंक्शंस के बीच में प्लस माइनस हो तो कभी भी सीधा लॉग मत लेना, ठीक है? डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यू का हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, और वी का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। ये नंबर फर्स्ट। पहले यू को उठाते हैं। वेयर यू इज इक्वल्स टू साइन एक्स रेज टू पावर टेंजेंट एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लॉग लेंगे तो ये तो आपके पास हो जाएगा लॉग ऑफ यू, और ये लॉग ऑफ साइन एक्स रेज टू पावर टेंजेंट एक्स। लॉग वाली प्रॉपर्टी से टेंजेंट एक्स आगे जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई गई है? लॉग ऑफ ए रेज टू पावर बी किसके इक्वल होता है? बी इंटू लॉग ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी लगाई गई है। अब डेरिवेटिव कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। इसमें बाई पार्ट करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड लॉग के हिसाब से वन अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, एक्स का वन प्लस सेकंड एज इट इज, और डेरिवेटिव फर्स्ट टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स। अब डी यू अपॉन डी एक्स, तो यू डिवीजन में था, मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या है? साइन एक्स रेज टू पावर टेंजेंट एक्स, और ये हो गया टेंजेंट एक्स इंटू कोट एक्स, कैंसिल होकर के वन बन जाएगा ये, क्योंकि टेंजेंट एक्स का कोस एक्स अपॉन साइन है टेन एक्स, और ये क्या बन गया? कोट एक्स, और टेंजेंट एक्स साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, लेकिन कैंसिल होकर आ गया वन प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। इसके बाद आप उठाएंगे वी को, एंड वी इज इक्वल्स टू, वी आपके पास है कोस एक्स रेज टू पावर सेकेंड एक्स। बेस में वेरिएबल, पावर में वेरिएबल, लॉग लेना पड़ेगा। अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, अगर इस टाइप का फंक्शन है कि बेस में वेरिएबल और पावर में वेरिएबल है तो लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, और लॉग की जो चार पांच प्रॉपर्टी आपको बता दी, लॉग ऑफ वी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ कोस ऑफ एक्स की पावर सेकेंट एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर आगे आ जाती है, सेकेंट एक्स इंटू लॉग ऑफ कोस एक्स। यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी लगाई? लॉग ऑफ ए रेज टू पावर बी, बी लॉग ऑफ ए। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वन अपॉन वी डी वी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड, पहले तो लॉग के हिसाब से वन अपॉन कोस एक्स, और कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और फिर एक्स का वन होता है, प्लस सेकंड एज इट इज
और डेरिवेटिव फर्स्ट सीकेंट एक्स का करेंगे तो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अब डी वी अपॉन डी एक्स जब आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो वी इधर मल्टीप्लीकेशन से जाएगी, वी आपके पास क्या है कोस एक्स रेज टू पावर सीकेंट एक्स, यहाँ पे माइनस का टेंजेंट एक्स और सीकेंट एक्स ये रहा तो माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स हो गया, प्लस लॉग ऑफ कोस एक्स इंटू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स हो गया। अब फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे आप, फ्रॉम फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स क्या आया साइन एक्स रेज टू पावर टेंजेंट एक्स इंटू वन प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, फिर बीच में है प्लस कोस एक्स रेज टू पावर सीकेंट एक्स इंटू माइनस सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स प्लस लॉग ऑफ कोस एक्स इंटू सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ये था क्लियर है। तो ये था बेटा फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बाई एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर वन प्लस वन बाई एक्स। पहले तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर ले, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स, और ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर एक्स एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस वन। बेस में वेरिएबल, पावर में वेरिएबल, बेस में वेरिएबल, लेकिन बीच में प्लस है तो पहले नाम डालना पड़ेगा यू प्लस वी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यू का हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, और वी का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। ये नंबर फर्स्ट आती है क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब एक एक क्वेश्चन के बारे में उठाओ, यू क्या है और वी क्या है, वेयर यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर एक्स। अब बेस में वेरिएबल, पावर में वेरिएबल, लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो इधर तो जाएगा लॉग ऑफ यू, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स, पावर बॉम क्या क्या जाएगी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। अब लॉग की और यहाँ तो लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, लॉग ऑफ ए रेज टू पावर बी, बी लॉग ऑफ ए हो गया। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, लॉग ऑफ ए अपॉन बी होता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, क्लियर है, और ना लगाएं तो भी काम चलेगा। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स, ठीक है भाई। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, इसका वन अपॉन फंक्शन लॉग ऑफ विद्वेशी वन, डेरिवेटिव फंक्शन हो जाएगा टू एक्स माइनस वन बाई एक्स, फिर प्लस सेकंड एज इट इज, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव फर्स्ट क्या हो जाएगा वन। अब डी यू अपॉन डी एक्स, यू डिवीजन में था मल्टीप्लाई में चला गया, यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू पावर एक्स। अब इसको जब आप आगे सोल्व करेंगे तो आपके पास है एक्स इंटू टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन
माइनस वन अपॉन एक्स प्लस, इसको इकट्ठा कर देंगे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, इसको इकट्ठा कर दिया दो बार, ठीक है। यहाँ पर आप एलसीएम लेकर सोल्व करें तो सोल्व भी कर सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर एक्स, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स, क्या हुआ टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, इस एक्स ही एक्स कैंसिल हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स, इसके बाद आप उठाएंगे वी को एंड वी इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसमें भी लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा लॉग ऑफ वी और इधर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, पावर आगे जाएगी तो ये आपके पास हो जाएगा लॉग ऑफ वी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आगे जाएगा इंटू लॉग ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा वी का वन लॉग वी का वन अपॉन वी और फिर वी का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, डेरिवेटिव सेकेंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स हो जाएगा प्लस सेकेंड एज इट इज और डेरिवेटिव फर्स्ट यही तो है, इसका डेरिवेटिव यू अपॉन वी से होगा, क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब डी वी अपॉन डी एक्स, वी को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएं और वी आपके पास क्या है एक्स रेज टू पावर वन प्लस वन बाई एक्स या एक्स प्लस वन बाई एक्स कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू एलसीएम तो एक्स स्क्वायर है, क्या हुआ एक्स माइनस वन एक्स एक्स कैंसिल हो गया माइनस बीच में आ जाएगी एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एलसीएम एक्स स्क्वायर आ गया, क्या हुआ एक्स प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स, इतना ये हो गया। अब फर्स्ट के अंदर आप इनको पुट कर दें, फ्रॉम फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स, आपके पास कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, ये था, और फिर प्लस डी वी अपॉन डी एक्स है एक्स रेज टू पावर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये था। थोड़ा बहुत और कैलकुलेट कर सकते हैं, रिजल्ट टैली ना हो तो, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये था आपके पास फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट आपके पास है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन x प्लस टेंजेंट x रेज टू पावर x, पहले तो नाम डाल देंगे u प्लस v, अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यू का हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, नंबर फर्स्ट। अब एक एक पार्ट को अलग अलग उठिए,
वेयर यू इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर साइन एक्स। ध्यान दें, बेस में कॉन्स्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि रिजल्ट होता है डिफरेंशिएटिंग। आपने लॉग तब लेना जब बेस में वेरिएबल और पावर में वेरिएबल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यू का हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, और इसमें तीन स्टेप्स होते थे, एज इट इज, लॉग ऑफ बेस और डेरिवेटिव ऑफ पावर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लग गया, ए रेज टू पावर फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो तीन बातें होती हैं, एज इट इज, लॉग ऑफ बेस और डेरिवेटिव ऑफ पावर, ये रिजल्ट लगाया गया। ठीक है, ई उठाओ वी को, लॉग ऑफ ई वन होता है, इसको चाहे लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, इसको डायरेक्ट लिखते हैं ई रेज टू पावर साइन एक्स इन टू कोस एक्स। इसके बाद वी को उठाएंगे, वी आपके पास है टेंजेंट एक्स रेज टू पावर एक्स, इसमें बेस में वेरिएबल और पावर में वेरिएबल, इसमें लॉग लेना पड़ेगा आपको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ वी, इधर लॉग लेंगे तो पावर का गया जाएगी, लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा लॉग ऑफ वी वन अपॉन वी, और वी का हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज, डायरेक्ट सेकंड पर तो लॉग क्या अकॉर्डिंग करेंगे, वन अपॉन फंक्शन, लॉग ऑफ वी विद बेस वन होता है, और डायरेक्टिव फंक्शन टेंजेंट एक्स का हो जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स, फिर एक्स का वन होता है, प्लस सेकंड एज इट इज, मेन फंक्शन यू इन टू वी है, सेकंड एज इट इज, और डायरेक्टिव फर्स्ट क्या हो जाएगा वन। ठीक है, अब टेन एक्स को आप कोट, वन बाई टेन एक्स को कोट एक्स लिख सकते हो, कोट एक्स का मतलब कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स, वी इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, टेंजेंट एक्स रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू, सॉरी इन टू एक्स एज इट इज, टेन एक्स को कोट एक्स लिखेंगे, कोट एक्स का मतलब कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पर सेकेंड स्क्वेयर एक्स को वन अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स, एक कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स, फिर यहाँ टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड और सोल्व कर लेना। इसके बाद आप फर्स्ट के अंदर पुट कर देना, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स, कितना आया, ई रेज टू पावर साइन एक्स इन टू कोस एक्स, और यहाँ पर बीच में है प्लस टेंजेंट एक्स रेज टू पावर एक्स, और अंदर जब सोल्व करेंगे तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर दें तो टू एक्स, और नीचे साइन टू एक्स, ऊपर जा करके कोसेकेंट टू एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ टेंजेंट एक्स। दाएं बाएं कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये था बेटा आपके पास है कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस है वो बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं फोर्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट तक। फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम आई तो आप कभी बेटा डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सअप से या फोन ही कर दें। ठीक है, लेकिन बेटा बहुत अच्छे से तैयारी करें, एक एक पार्ट को क्लियर करें, और जिस भी पार्ट में दिक्कत आती है बेटा फोन करके तुरंत पूछें। ठीक है, और इसके अंदर जो बस मेन चीज़ यही है कि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन होता है, उसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसमें लॉग लेना पड़ता है। क्लियर हो गया, एक फंक्शन और उसकी पावर है दूसरा फंक्शन, तो वहाँ पर आप लॉग ले लेंगे, तो लॉग ले लेंगे तो पावर तो आगे जाएगी, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ फंक्शन, और फिर आप इसका डेरिवेटिव कर देंगे यू इन टू वी से, फर्स्ट और सेकेंड, एक लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके डेरिवेटिव्स आपको मालूम होने चाहिए, फिर भी बता देते हैं। डेरिवेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस कुछ भी नहीं तो ई मानते हैं, अदरवाइज है तो ठीक है, तो ये होता है वन अपॉन फंक्शन लॉग ऑफ ई विद बेस इनटू डेरिवेटिव फंक्शन, एक ये फॉर्मूला काम करेगा। एक एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला काम करता है ए रेज टू पावर एफ एक्स, और इसका फिर आपसे जब डेरिवेटिव करने को कहा जाए
तो एज इट इज, लोगो बेस और डेरिवेटिव ऑफ पावर, ये तीन बातें हैं ये याद रखी जाती हैं। तो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आपको पहले भी बताए गए थे, अब भी बार बार बताए जा रहे हैं। लॉ की प्रॉपर्टी सारी आपको बता दी गई थी, अच्छे तरीके से ध्यान दें। बेस में वेरिएबल, पावर में वेरिएबल लॉग लिया जाएगा, लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस की प्लस माइनस होगी तो लॉग नहीं लेंगे, मल्टीप्लाई डिवीजन लेंगे, क्योंकि लॉग ऑफ ए इंटू बी लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी होता है, और लॉग ऑफ ए अपॉन बी लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी होता है। ओके, थैंक यू।